हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज किचन ऑलवेज ओपन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मंचूरियन की रेसिपी। लेकिन हम मंचूरियन बनाएंगे विदाउट कैरेट और विदाउट कैबेज। तो आज हम बनाएंगे मंचूरियन पम्पकिन से। यहाँ पे मैंने पम्पकिन लिया है, ये ग्रीन कलर का पम्पकिन है जिसको अच्छे से छिलका हटा के पीसीज में कट करके रख लिया है। ये लिया मैंने ग्रीन चिलीज 3 से 4 पीस, छोटा टुकड़ा अदरक का, और स्प्रिंग ऑनियन जो कि हमें गार्निशिंग में और उसकी ग्रेवी के लिए चाहिए 3 चम्मच मैंने लिया है। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मंचूरियन बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पम्पकिन जो हमने लिया है इसको हम ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब ये जो ग्रेट किया हुआ पम्पकिन है, इसमें से मैं 2 चम्मच पम्पकिन बचा के रख लूँगी और बाकी के हम बॉल्स तैयार करेंगे। बोल बनाने के लिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 कुटी हुई हरी मिर्ची और अदरक, और 1 टीस्पून नमक। अब इनको हम अच्छे से हाथ से मिक्स करके इनका एक अच्छा सा डो बना। देखिए फ्रेंड्स, इसका डो तैयार हो गया है। अगर ये थोड़ा पतला होता है तो आप इसमें और मैदा मिला सकते हैं। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पम्पकिन यानी कि पेठे का पूरा जूस निकाल के, ग्रेट करने के बाद उसका जूस निकाल के फिर मैदा मिला सकते हैं, बट उससे जो मंचूरियन की बॉल्स हैं वो थोड़ा सा टाइट हो जाएंगी। तो इन्हें सॉफ्ट रखने के लिए हमने इसको बिना जूस निकाले ही इसमें मैदा को मिक्स किया है। अब मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल हीट हो रहा है, तब तक हम इसके बॉल्स तैयार करते हैं। हाथ पे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इस तरह से हम इसकी बॉल्स को तैयार करेंगे। ये इस तरह से हम इसकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब ऑयल हीट हो गया है, इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। एक एक करके बॉल्स को हम तेल में छोड़ देंगे। मंचूरियन बॉल्स का साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो बच्चे पम्पकिन नहीं खाते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मंचूरियन में उसको खिलाएंगे तो बिल्कुल भी बच्चे मना नहीं करेंगे। बॉल्स को हमें मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई नहीं करना। अगर हम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो इनका कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये बाकी की बॉल्स भी फ्राई होती है तब तक हम इसकी रेसिपी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दूसरा पैन ले लिया, इसमें ऐड किया है मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल हीट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पम्पकिन रखा हुआ था ग्रेट किया हुआ वो, स्प्रिंग ऑनियन, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सोते होने देंगे करीब करीब 1 मिनट के लिए। ये बाकी की बॉल्स भी हमारी फ्राई होके तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सॉफ्ट बॉल्स रेडी हुई है। अब हम देखते हैं ग्रेवी को। ये अच्छे से सोते हो गया है, अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच अजीनोमोटो। एक चम्मच वेनेगर, उसी चम्मच से हम लेंगे 1 चम्मच सोया सॉस।
सोया सॉस, और ये एक चम्मच लिया है ग्रीन चिली का पेस्ट। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें ऐड करूंगी मैं 2 गिलास पानी। अब हम इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर लिया हुआ था इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा पानी, करीब करीब 2 से 3 चम्मच, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये इसका पेस्ट तैयार हो गया एक। फ्रेंड्स, ग्रेवी के लिए मेन इंग्रेडिएंट यही है, क्योंकि इसके बिना आपकी ग्रेवी थिक नहीं होगी। अब हम इसको ऐड कर देंगे बॉइलिंग वाटर में। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और साथ में इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, मिक्स होते ही ग्रेवी एकदम थिक हो गई है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें अजीनोमोटो और ग्रीन चिली पेस्ट दोनों डाला है, तो अगर सॉल्ट थोड़ा कम हुआ तभी हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। टेस्ट करके आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मंचूरियन बॉल्स। और बॉल्स ऐड करके हम इसको 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। ताकि ग्रेवी का पूरा जूस अच्छे से बॉल्स के अंदर चला जाए। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मंचूरियन भी बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाउल में। बॉल्स में निकाल लिया हमने इसको। आप गार्निश करेंगे हम इसे स्प्रिंग ऑनियंस के साथ। सो फ्रेंड्स, मंचूरियन इज रेडी टू प्लेट। यू कैन एंजॉय इट विद रोटी एंड राइस। फ्रेंड्स, आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बॉल्स को जब भी बनाएं तब उसका जो मैदा है, और अगर आपको पानी निकालना है उससे पंपकिन से, तो मैदा दोनों में फ़र्क रहेगा कि कितना ऐड करना है। अगर आप उससे पानी निकाल लेते हैं तो मैदा की क्वांटिटी कम ऐड होगी, और अगर आप उसी में पानी छोड़ देते हैं तो मैदा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होगा। सो फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए रेसिपी को और शेयर कीजिए आपका फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।